वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। कंकड़खेड़ा में शॉर्ट सर्किट से फलों के खोखों में लगी भयंकर आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दरअसल मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र में कस्बा चौकी के पास देर रात हाई टेंशन लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से फुटपाथ पर रखे फल के खोखों में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद आग ने उग्र रूप लेते हुए एक के बाद एक खोखे को अपनी चपेट में ले लिया। तेज बारिश के चलते हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने के कारण करंट उतर आया, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और जरा सी आग की चिंगारी फैलती चली गई। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाइन कटवाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऊंची ऊंची आग की लपटें हाईटेंशन लाइन के तारों तक पहुंच गई, जिसके कारण एक तार टूटकर खोखे पर गिर गया और करंट उतरने लगा। हल्की बारिश होने के कारण भी आग ने उग्र रूप ले लिया। इस दौरान कंकड़खेड़ा निवासी रईस ने बताया कि आग के कारण 5 खोखे जलकर खाक हो गए हैं, वहीं उनमें रखे लाखों रुपए के फल भी जल गए हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचते ही विद्युत कर्मियों को फोन कर लाइन कटवा दी थी। थाना प्रभारी उत्तम सिंह राठौर का कहना है कि खोखों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है और बरसात के कारण लाइन में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी चिंगारी खोखों पर गिरने के कारण आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है और विद्युत विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।